नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1008 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे कम या अधिक स्पीड की ज़रूरत है तो यूट्यूब पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को आप कम या अधिक कर सकते हैं। इस वीडियो में यानी इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर ज्यादातर राष्ट्र लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं, विराम, लेकिन अब तक इस दिशा में ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा है, कॉमा, जिससे यह संकेत मिलता हो कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में यह निकाय खुद को भी बदलेगा, विराम। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को 75 साल हो चुके हैं, विराम, तब से अब तक दुनिया में बड़े बदलाव आ चुके हैं, विराम। विश्व युद्ध, कौमा, शीत युद्ध जैसे भयानक दौरों से दुनिया गुजर चुकी है, विराम। महाशक्तियों के मायने और स्वरूप बदल चुके हैं, विराम। ऐसे में दुनिया को वैश्विक व्यवस्था में बांधे रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है, विराम। मगर हैरानी की बात है कि आज जिन देशों का इस निकाय पर नियंत्रण बना हुआ है, कौमा, वे सुधार की बात तो करते हैं, कौमा, पर उस दिशा में कदम बढ़ाने से बचते रहे हैं, विराम। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की गाड़ी कैसे बढ़े, कौमा, यह बड़ा सवाल है, विराम। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद ने सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर कदम बढ़ाने की बात कही है, विराम। पैरा, सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा दरअसल सदस्यता से जुड़ा है, विराम। इस वक्त सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, कौमा, ब्रिटेन, कौमा, फ्रांस, कौमा, रूस और चीन हैं, विराम। लेकिन ये देश किसी और देश को अस्थायी सदस्य के रूप में घुसने देने को राजी नहीं दिखते, विराम। इन देशों को वीटो का अधिकार मिला हुआ है, विराम। इसलिए तमाम मुद्दों पर ये देश वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अहम फैसलों में भी बाधा खड़ी कर देते हैं, विराम। इसलिए भी सुरक्षा परिषद का विस्तार एक जटिल मुद्दा बन गया है, विराम। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग करता आया है, विराम। वैसे चीन को छोड़ दें तो बाकी अस्थायी सदस्य भारत की दावेदारी का समर्थन करते आए हैं, विराम। हाल में समूह 4 देशों, भारत, कौमा, जर्मनी, कौमा, जापान और ब्राजील ने भी इस मुद्दे को उठाया, विराम। चारों ही देश दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल हैं, विराम। इनकी क्षेत्रीय हैसियत भी कम नहीं है, विराम। वैश्विक स्तर पर बड़े समूहों में भी शामिल हैं, विराम। भारत और ब्राजील ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं, कौमा, जिसमें रूस और चीन भी हैं, विराम। जापान और भारत क्वाड देशों के समूह में हैं, कौमा, जिसकी कमान अमेरिका ने संभाली हुई है, विराम। जर्मनी यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, विराम।
ऐसे में इन देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? प्रश्नवाचक। पैरा, आज दुनिया आतंकवाद कौमा गृह युद्ध कौमा अलगाववादी हिंसा कौमा शरणार्थी समस्या कौमा जलवायु संकट कौमा परमाणु हथियारों की होड़ जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। विराम, ऐसे वक्त में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक भूमिका बढ़नी स्वाभाविक है। विराम, वरना कैसे यह निकाय ज्यादा प्रभावी और प्रासंगिक बन पाएगा? प्रश्नवाचक। महासभा की हर साल होने वाली बैठकों में सुरक्षा परिषद में सुधार का एजेंडा प्रमुख रूप से छाया रहता है। विराम, लेकिन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का रुख इस सुधार में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आता रहा है। विराम, आज अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव बना हुआ है कौमा उसमें दुनिया फिर से दो ध्रुवों में बटने लगी है। विराम, ऐसे में सुरक्षा परिषद के भीतर सुधार के मुद्दे पर ये देश कैसे बढ़ेंगे कौमा यह बड़ा सवाल है। विराम, अगर दुनिया के बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं मिलती है तो कई देश संयुक्त राष्ट्र जैसा दूसरा समांतर वैश्विक संगठन खड़ा करने से जरा भी नहीं झिझकेंगे। विराम, ऐसे में प्रतिस्पर्धा और टकराव और बढ़ेंगे ही। विराम, पैरा, एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से भी होती है कि उसमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता है कौमा वे खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। विराम, इस पैमाने पर हम सदा से पिछड़े नजर आते रहे हैं। विराम, कहते हैं कि समाज में शिक्षा के प्रसार से हिंसा और अपराध जैसी घटनाएं स्वतः कम होने लगती हैं। विराम, भारत में शिक्षा की दर तो बढ़ रही है कौमा मगर हिंसा और अपराध के मामले भी उसी अनुपात में बढ़े हुए दर्ज होते हैं। विराम, सबसे चिंता की बात है कि भारत में बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार कौमा उनके अधिकारों के हनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा। विराम, नए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल रोज करीब 350 बच्चों के साथ आपराधिक घटनाएं घटी। विराम, हालांकि ताजा आंकड़ों में पहले की तुलना में आपराधिक मामलों में कुछ कमी दर्ज हुई है कौमा मगर वह संतोषजनक नहीं है। विराम, कई मामलों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं। विराम, कोरोना काल में जब पूर्णबंदी थी और लंबे समय तक स्कूल बंद रहे कौमा घर में रहकर ही पढ़ाई करने की मजबूरी थी कौमा तब बाल विवाह और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज हुई। विराम, हालांकि अध्ययनकर्ताओं और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसके पीछे बड़ी वजह कोरोना काल में हुई बंदी और कामकाज के ठप पड़ जाने कौमा परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाने को माना है। विराम, पैरा, मगर पूर्णबंदी के दौरान जब कल कारखाने बंद रहे और उसके बाद भी बहुत सारे रोजगार सुचारू रूप से बहुत दिनों तक नहीं चल पाए कौमा तब बच्चों के साथ काम की जगहों पर दुर्व्यवहार की घटनाएं भी नहीं होने पाई कौमा इसलिए आंकड़े पहले की तुलना में कुछ घटे हुए दर्ज हुए। विराम, बंदी की वजह से बच्चों को घरों में बंद रहने पर मजबूर होना पड़ा था कौमा ऐसे में उनके माता पिता का अनुशासन और हिंसक व्यवहार कुछ अधिक देखा गया। विराम, यह खुलासा बंदी के दौरान हुए अन्य अध्ययनों से हो चुका है।
व्यायाम, ऐसे में बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं और सरकारी महकमों के लिए यह चुनौती बनी हुई है कि इस पर कैसे काबू पाया जाए। विराम, यों बाल अपराध कौमा बाल अधिकारों के हनन कौमा बेवजह प्रताड़ना कौमा बाल मजदूरी आदि के खिलाफ कड़े कानून हैं कौमा, मगर उनका कितना पालन हो पा रहा है कौमा, इसका अंदाजा ताजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। विराम, बच्चों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है। विराम, फिर उत्तर प्रदेश कौमा महाराष्ट्र कौमा पश्चिम बंगाल और बिहार हैं। विराम, पैरा, भारतीय समाज में बच्चों के प्रति हिंसक व्यवहार एक आम चलन की तरह देखा जाता है। विराम, बहुत सारे लोगों की धारणा है कि मारने पीटने से बच्चे अनुशासित होते हैं कौमा, जबकि अनेक मौकों पर कौमा अनेक अध्ययनों से उजागर है कि मारपीट का बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम, स्टॉप।